चल रहा है काफी, वो मालती और जो है अर्जुन, और आपका क्या पूरा मामला है? मामला है कि हमारी बीबी के साथ उसका अफेयर है और दोनों लोग हैं, लेकिन हमारी बीबी सती सावित्री बनने के नाते वो गई है हमारे ऊपर केस करने कोर्ट में, और ऐसे ऐसे धाराएं मतलब लगवा रही हैं जो कि कुछ हुआ ही नहीं है फिर भी लगवा रही हैं। तो क्या करें? तो कह रहे कि हम दोनों भाई बहन हैं, तो भाई बहन मेरे पास साक्ष्य है, सबूत है भाई बहन का। हम सोचते नहीं है कि न चलाना पड़े, न बेइज्जती करना पड़े, लेकिन उनको पतिव्रता बनने का इतना बड़ा वो हो गया है कि अब नहीं कि मेरी ही गलती है, सबको लगे कि मेरी ही गलती है। तो क्या कुछ है, रखे हैं? मेरे पास ऑडियो रिकॉर्डिंग है उनके बारे में, दिखाइए और सुनाएंगे भी। और मेरे पास ऐसे 41 रिकॉर्डिंग है, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा सब लोग। जमीन जायदाद के पीछे मत रहिए। पहले बता, ये राहुल भाई से कॉन्फ्रेंस पे बात करती थी वो अर्जुन से, ताकि कोई दिक्कत ना हो, तभी से है, और उन्हीं को उल्टा सोने में फंसाया जा रहा है। जमीन जायदाद के पीछे मत रहिए, विष्णु चाहता है तलाक, तलाक दे के, और क्या नाम है, 10-15 दिन रुक। माइक के पास नजदीक करिए। काम करा, इसका भी हल मैं निकाल रहा हूँ, रुके रहिए, वकील से बात करके मैं बता रहा हूँ, रुके रहिए। हाँ तो सुना मेरी बात, मैं अभी देखिए अब एक चीज बताए अर्जुन भैया साहब, एक चीज में कहा अच्छा चलिए सुनिए सुनिए, कुछ नहीं होगा, अभी मैं जा रहा हूँ, एक योगा मैं खा रहा हूँ, सुनिए मेरी बात, रोने से काम नहीं होगा। अब सुनिए अर्जुन को मैं समझ, सुनिए राहु अर्जुन के साथ है, उनका मेहरारू का करी पहले बताओ। हेलो अर्जुन फोन कर रहे हैं, बोलिएगा नहीं। देख रहे हैं सब ना, अभी इनके तुरंत आवाज़ का है बोला। हेलो मुझे गलत ठहराया जा रहा है, सलाह देंगे, शादी भी करना हो तो कर लीजिए, वैसे भी आपकी जिंदगी तबाह है उसके साथ, ठीक है। और दूसरी बात ये है तो अर्जुन से कह दीजिए आप दोनों अलग रहें, अपना मियां बीवी अलग रहें, एक साथ तो रह नहीं पाओगी। अर्जुन को सब पता है, अर्जुन भैया फोन कर रहा, रुके रहिए एक मिनट, फोन कर रहा, मैं लाइन पे ले रहा हूँ। तो इस ऑडियो में तो पूरी तरीके से मालती जो है सब कर रही है कि अर्जुन से वो प्यार करते हैं, उसके बिना रह नहीं पाएंगी। आप लोग देखें ना, ये सब सुनने के बाद मेरे मन में क्या चल रहा है, मेरा करेजा कैसा है मैं जानता हूँ, लोगों को लगता है कि मैं ही गलत हूँ। अच्छा ये ऑडियो कब आपको पता चला है जो है? राहुल भाई के द्वारा पता चला है, और ऐसे से बहुत से, जब जिससे बार बार मदद मांग रहे, मैं बोला कि देखिए अर्जुन राहुल भैया
जैसे वो कह रही है आप खाली सुनी है उस पर वो करिए, क्योंकि देखिए नहीं तो मुझे पता नहीं चलता और मैं मारा जाता इन लोगों के चलते। अच्छा, एक गहना का क्या मामला है आपका? गहना चोरी का आरोप लग रहा है। मालती लेके गई है गहना हमारे घर से, सब मेरे नाम पे है। चोरी करके उसका पर्ची भी वही ले गई है, गहना चोरी करके वो ले गई है। तो मेरे गहने पर कैसे उसका हक हो गया? मेरे नाम से है। मालती बजा रही है इसलिए, ताकि क्योंकि किसको फंसा रही है? राहुल को, ताकि मेरा हेल्प की है इसलिए बजा रही है। वो नहीं रहते तो पता नहीं चलता। अच्छा, तमाम लोग ये कह रहे हैं कि राहुल ने इस मामले को हवा दिया है। राहुल ने अगर इस मामले का ऑडियो रिकॉर्डिंग न दिया होता, पर्दाफाश न किया होता, तो आज शायद आपका घर बचा होता। आज घर बचा होता, लेकिन मैं नहीं बचा होता। इस तरह प्लान चल रहे थे, मैं नहीं बचा होता। और जो बोल रहे हैं सब लोग, और जो कह रहे हैं कि मालती के आचरण पे हो और ये सती सावित्री हैं, तो आओ करके दिखाओ ना। कोर्ट से लड़ रही हो तो सामने भी आओ दिखाओ ना। तुमको लग रहा है कि मैं गलत हूँ? आपकी पत्नी आज गोरखपुर कचहरी में जाके आपके नाम पे तहरीर दी है, क्या कहना चाहेंगे इस पे और आपकी अगली कार्रवाई क्या होगी? छोड़ेंगे नहीं, हम लड़ेंगे जहाँ तक, जब तक रहेगा जान तब तक लड़ेंगे। क्योंकि गलती एक्सेप्ट उनको करना चाहिए था, लेकिन गलती एक्सेप्ट नहीं किया। उस गलती पे पर्दा डाल के हमको नीचा दिखाने के लिए कि विष्णु गलत किया है, उस चीज़ को करने के लिए वो खुद मतलब अपने आप को सही करने के लिए 100 पे झूठ बोलते बोलते और आज यहाँ तक हद पार कर दी कि बोली मोबाइल हमारा फोड़ दिया गया, या तो खुद और खुद अपने ही फोड़ी थी। और बोल रही थी मेरे भाई से कि मेरा भाई उसको देखा था, तो मेरे भाई भी अभी बताएगा हर चीज़। और ये भी है, जब इस तरह बोल रही हो कि कहाँ तुम कब अर्जुन से मिल रही थी, वो भी पता है। और उस दिन रात को जब अर्जुन जहर खाने के बाद हमारे घर आए, उसके बाद तुम उनके साथ रात को क्या कर रही थी, वो भी अभी बताया जाएगा, क्योंकि वो भी जानकारी है। और मंजीत भाई सब जानता है, हमारे साथ जो लड़का रहता है। आपके पत्नी के साथ इस मामले में गोरखपुरीय भौजी हैं, तमाम प्रकार की चीज़ें कर रही हैं, करवा रही हैं, उनके बारे में क्या कहना चाहोगे? देख रहे हैं, करवा उनके ऊपर भी एक्शन लिया जाएगा, क्योंकि जो भी हैं जिस तरह एक बुरी चीज़ को बढ़ावा दे रही हैं। मैं कहता हूँ अगर सही है तो क्यों नहीं मेरे पास आई, अगर सही है तो हमारा कॉलर पकड़ के बोलती तो तू गलत कर रहा है तो मैं मान लेता, लेकिन अगर बुरा नहीं होता तो क्यों उतने लोगों के पास जाना पड़ता? और अगर इनके मन में पाप नहीं होता तो एक महीने पहले मेरा बोल रही रिकॉर्डिंग हम भेजे थे वहाँ पे, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है ये पहले से प्लान चल रहा था इन लोगों का कि अर्जुन और मालती एक साथ बहुत पहले मतलब से रहना चाहते हैं। जो आपके साथ हो रहा सब सोची समझी मतलब था ये बहुत बड़ा। यहाँ एक सबसे महत्वपूर्ण सवाल है कि इसके पहले क्या गोरखपुरिया भौजी का आपके पास फोन आता है कि आपके घर में ये सब क्या चल रहा है? नहीं, कभी नहीं, हम लोग का बातचीत भी नहीं होता है। और आज भी जब मालती के मैं फोन किया उनके पास, बोला मत ये सब देखो, परेशान हो जाओगे, कोई मतलब नहीं है, जब तुम्हें पता है तुम गलत की हो, ना ही हम ना ही गलत के, हमारे दाम का आचरण पर दाग लगल बा, हम नारी के हई भइल बा, सम्मान पर ठेस पहुँचल बा बोली है। और ऑडियो सुनने के बाद भी आप लोग को पता चलेगा, अभी इस पर भी आवाज़ उठेगी कि आप ऑडियो सुना रहे हैं, आपके ऊपर केस हो जाएगा। मतलब हर चीज में अगर हम गलती से मालती से मलतिया बोल देंगे तभी हमारे ऊपर केस हो जाएगा। किसी महिला के साथ आपके ऊपर आरोप लगाया जा रहा है, इस पर क्या कहना है? तो महिला उसको भी लाया जाएगा, ऐसा बात नहीं, उसको भी लाया जाएगा, फिर पूछा जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है कि वो क्या कहती है, क्योंकि हमें तो लोग कह ही रहे हैं। आपकी पत्नी जो तहरीर दी है उसी महिला को लेकर, मतलब उसी महिला के नाम पर ही वहाँ पर तहरीर दे रहे हैं और फंसाने की कोई अगर चीज होगा तो कोई दिक्कत नहीं, एक्सेप्ट करता हूँ अगर उनके पास होगा, नहीं होगा तो उनके एक्सेप्ट करना पड़ेगा ये चीज ने जो भाई के साथ अपने की है। लास्ट डिसीजन क्या होगा विष्णु राज का? लड़ेंगे और लड़ेंगे, क्योंकि बहुत बहुत ज्यादा हो गया। कभी सामने से हमको नहीं बोली कि मुझसे गलती हो गई, या पब्लिक से नहीं बोली कि मैं ऐसा नहीं करना चाहती हूँ, ये है वो, कभी बोली। जब तक एक वो था कि चलो ठीक है कोई बात नहीं, 100 गलती माफ़ कर देते हैं, लेकिन जब यहाँ तक बात आ गई कि वो चली गई कोर्ट में, तो लड़ो कोर्ट में, देखते हैं कहाँ लड़ती हो, कितना लड़ती हो, और मर जाएंगे लेकिन तब तक लड़ेंगे जब तक तुम लड़ोगे, क्योंकि मेरी गलती नहीं है, मैं बताना नहीं चाहता था। और ऐसे ऐसे करके 41 रिकॉर्डिंग ऐसे नहीं है, आखिर मेरे पास आया तभी तो मैं दिखा रहा था, लोगों को बता रहा था, मैं बार बार चिल्ला रहा था, लेकिन नहीं यही हो रहा था मेरे पास। आपकी मदद करना ही राहुल के लिए दिक्कत हो गया? हाँ, मेरा मदद करना भी राहुल के लिए दिक्कत हो गया। गाना चोरी का किया जा रहा है तो ऐसा है ना, लेकिन जिस तरह की है वो इस पर भी होगा, क्योंकि जब वो नहीं रहेगा उसका भी तो होना चाहिए कि गाना कैसे लिए हो सकता है झूठे लगाए या गाना लेके, हो सकता कहीं तुम अर्जुन को ले जाके दे दी हो, हम कैसे जाने। जब मालती का भाई बोला है चौकी पे आके कि हम लेके आए हैं अपनी बहन को, हम लेने गए हैं ऑटो से,
और ऑटो में लेने आया था नाथनगर का पिंटू नाम का लड़का, तो कैसे हम कहें कि वही चोरी किया है? अच्छा, आज तक गहना चोरी का आरोप नहीं लगा है, नहीं। आज ही क्यों? तो वही उसमें गहना का नाम आ गया ना, लेकिन उसके पहले जो है अभी मालती का कई ऑडियो ऐसे जो गहना खुद ले जाके कि अर्जुन से अर्जुन को बैठा के खिलाने का बात हुआ है, ये भी अभी खुलेगा। जब आ गए हैं तो अब लड़ेंगे, चाहे हमें फांसी ही क्यों ना हो जाए, लेकिन गलत के खिलाफ आवाज उठाएंगे। एक सवाल और कर लीजिए, नहीं नहीं नहीं, आप अपने पत्नी के साथ समझौता करेंगे या उसको छोड़ देंगे एकदम से? अब देखिए, वो खुद हमारे साथ नहीं रहना चाहती है, तो हम समझौता करें किस पे करें? जो चीज़ मैं नहीं बोला बताना चाहता था कि चलो रिकॉर्डिंग का, वो बार बार वही खुलवा रही है। आज भी मैं रिक्वेस्ट किया, आज भी लास्ट की आ जाओ मालती, चलो कोई बात नहीं, तुम खुद गलती हो फिर भी मानो, लेकिन कोई नहीं, नहीं मान रही तो हम क्या करें? मैं मर्द हूँ फिर भी, जितना मैं गिर के रहता हूँ उनके लिए, लेकिन नहीं समझ रहे तो हम क्या करें? अब जाओ, जो जो होगा देखा, जब तुम केस किए तो हम भी लड़ेंगे, जो करना होगा कर लो। अच्छा, कोई पहले का वीडियो आपका डाले थे क्या, उसको डिलीट कर दिया है? नहीं, ऐसा कोई वीडियो हम कहाँ डिलीट करेंगे। इस घटना संबंधित कोई वीडियो नहीं, इसके घटना के संबंधित कोई वीडियो ही मैं डिलीट नहीं किया हूँ। चलिए।